ब्लैक होल्स हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। स्पेस में ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हमारे करंट फिजिकल थ्योरीज वहां ब्रेक कर जाते हैं। यहां तक कि खुद लाइट भी इनसे होकर वापस नहीं आ पाती। 14 सितंबर 2015 से पहले तक इनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, क्योंकि तब तक ये केवल थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते थे और उस समय तक कई लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती। पर 14 सितंबर 2015 को जब लीगो ने ग्रेविटेशनल वेव को पहली बार डिटेक्ट किया तो ये साफ हो गया कि ब्लैक होल्स मात्र हमारी कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक जीता जागता सच है। आज हम ये जानते हैं कि ये निश्चित रूप से एग्जिस्ट करते हैं, पर अभी तक हम पूरी तरह से इन्हें समझ नहीं सके हैं, जिसके कारण हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये ब्रह्मांड किस तरह इवॉल्व होता है या फिर आगे इसके साथ क्या होगा। अगर हमें ये जानना है कि इस ब्रह्मांड के साथ भविष्य में क्या होगा तो हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि ब्लैक होल कैसे काम करते हैं। यही कारण है कि विश्व भर के भौतिकी शास्त्री ब्लैक होल को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। पिछले दो एपिसोड्स में हमने ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में जाना। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। साल 1974 से पहले तक ब्लैक होल्स हमारे लिए पैराडॉक्शियल नहीं थे, क्योंकि हम इनके बारे में केवल ये जानते थे कि ये स्पेस में ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि खुद लाइट भी वहां से वापस होकर नहीं आ पाती। यानी कि एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाए तो उसका वापस लौटना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि ये इवेंट होराइजन एक क्लोज्ड सरफेस होता है जिसमें सब कुछ हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है, जो ब्लैक होल से कभी वापस नहीं आ पाता, पर उनका अस्तित्व कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। मतलब कि अगर हम एक किताब को एक ब्लैक होल में फेंक दे तो वो हमेशा के लिए उसमें चला जाएगा, यानी कि उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए हमसे ओझल हो जाएगी, पर वो फिर भी रहेगा ब्लैक होल में ही। पर साल 1974 में स्टीफन हॉकिंस ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ब्लैक होल का भी अपना टेम्परेचर होता है जो उनके मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एक ब्लैक होल का मास अगर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और अगर ब्लैक होल का मास कम है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस टेम्परेचर की वजह से वो हमेशा रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, जिसे हॉकिंस रेडिएशन का नाम दिया गया है। इस हॉकिंग रेडिएशन को एमिट करते रहने के कारण ऐसे ब्लैक होल्स जिनके पास निगलने के लिए कुछ नहीं होता धीरे धीरे अपना मास खोते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसे ब्लैक होल इवेपोरेशन भी कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हॉकिंस रेडिएशन क्यों और कैसे काम करता है तो हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें डिटेल में इसे समझाया है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि जिस तरह पानी भाप बनकर पूरी तरह उड़ जाता है, उसी तरह लगातार हॉकिंग रेडिएशन एमिट करने की वजह से ब्लैक होल भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। बचता है तो केवल हॉकिंग रेडिएशन। कहने का मतलब यह है कि ब्लैक होल के खत्म हो जाने के बाद हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि ये ब्लैक होल किन ऑब्जेक्ट से बना था और इसने कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को निगला था। यानी कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरह लॉस्ट हो जाती है। ये थ्योरी थियोरेटिकली और मैथमेटिकली बिल्कुल सही थी, पर इसने एक पैराडॉक्स को जन्म दिया जिसे आज हम ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि ये पैराडॉक्स है क्या। लॉ ऑफ नेचर को अभी तक हम जितना समझ पाए हैं उसके अनुसार दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इस ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं। इनमें पहला है क्वांटम डिटरमिनिज्म, जो कहता है गिवन अ प्रेजेंट वेव फंक्शन इट्स फ्यूचर चेंजेस आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द इवोल्यूशन ऑपरेटर, और दूसरा है रिवर्सिबिलिटी, जो कहता है द इवोल्यूशन ऑपरेटर हैज एन इनवर्स मीनिंग दैट द पास्ट इवोल्यूशन फंक्शंस आर सिमिलरली यूनिक। अगर आसान भाषा में इनका मतलब समझाऊं तो ये कहते हैं कि हर यूनिक इनिशियल स्टेट हमेशा एक यूनिक एंड स्टेट के साथ खत्म होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो अलग अलग इनिशियल स्टेट के एक ही फाइनल स्टेट हों।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम किसी प्रोसेस के फाइनल स्टेट को देखकर उसका इनिशियल स्टेट आसानी से बता सकते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस के इनिशियल स्टेट को देखकर ये बता सकते हैं कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा ही सुरक्षित रहती है। अगर आप अभी भी इसे नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास एक किताब है। जाहिर सी बात है कि जब तक ये सही सलामत है आप देख पा रहे हैं कि इसके पेजेस भी हैं और इसमें काफी कुछ लिखा हुआ भी है, यानी कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। पर क्या होगा जब आप इसे जला देते हैं? जलने के बाद आपके पास बचता है मात्र उसका ऐश यानी कि राख। अगर आप में से कुछ लोग ये कहें कि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई क्योंकि अब ना तो हमारे पास इसके पेजेस बचे हैं और ना ही वो जो उन पेजेस में लिखा हुआ था, फिर तो यहाँ भी नेचर के लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकती। अगर इस उदाहरण की बात करें तो किताब के जलने के बाद हमारे पास बचती है ऐश यानी कि राख। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर यूनिक इनिशियल स्टेट का हमेशा एक यूनिक फाइनल स्टेट ही होता है और हर यूनिक फाइनल स्टेट का एक यूनिक इनिशियल स्टेट ही होता है। इस कारण हम किसी प्रोसेस के बारे में ये बता सकते हैं कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था या फिर फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। इस उदाहरण में थियोरेटिकली अगर हम बचे हुए राख और स्मोक को बिल्कुल सही ऑर्डर में असेंबल करें तो वो किताब हमें वापस मिल जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है पर थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। यानी कि किताब के जलने के बाद भी उसकी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई। अगर आप अभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक और साधारण उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही क्रम में मिलाने पर हमें मिलता है पानी। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि पानी तब बना होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सही क्रम में मिले होंगे। यहाँ पानी फाइनल स्टेट है जिसे देखकर हम इसका इनिशियल स्टेट आसानी से बता रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन हमेशा ही सुरक्षित रहती है। तो अब तक हमने क्या जाना? हमने जाना कि इन्फॉर्मेशन हमेशा ही सेफ रहती है, जो हमारे यूनिवर्स को डिटर्मिनिस्टिक बनाता है, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेट को देखकर हम उसके इनिशियल स्टेट के बारे में बता सकते हैं और इनिशियल स्टेट को देखकर फाइनल स्टेट के बारे में। पर अगर किसी प्रोसेस के फाइनल स्टेट को देखकर हम उसके इनिशियल स्टेट के बारे में बिल्कुल भी ना बता पाएं तो वहां पैराडॉक्स उत्पन्न होगा क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर को वायलेट करेगा। ब्लैक होल्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते रहने की वजह से ब्लैक होल्स अपना मास लगातार खोते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब वो खत्म होते हैं तो वहां हॉकिंग रेडिएशन के अलावा कुछ नहीं बचता और हॉकिंग रेडिएशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यानी कि ब्लैक होल के खत्म होने के बाद ये कोई नहीं बता सकता कि ब्लैक होल किस चीज से बना था या फिर उसने कैसे कैसे खगोलीय पिंडों को अपने अंदर निगल लिया था। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, जो कि लॉ ऑफ नेचर को वायलेट करता है। इसलिए ये एक पैराडॉक्स है और इसे ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। चलिए इसे थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं। फिजिक्स कम्युनिटी में ब्लैक होल्स को लेकर हमेशा एक अहम सवाल रहा है और वो ये है कि डू ब्लैक होल्स हैव हेयर और नॉट। आप सोच रहे होंगे कि अब इसका मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। जिस भी बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में अब तक आप जानते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उदाहरण के लिए अगर ग्रहों की बात करें तो कोई भी दो ग्रह कुछ हद तक एक जैसे तो जरूर हो सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कार्बन कॉपी हों। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। दो ग्रहों के एक दूसरे का कार्बन कॉपी होने के लिए उनके अंदर हर पॉइंट पर सेम कंपोजिशन और डेंसिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रॉपर्टी के आधार पर एक दूसरे से किसी न किसी वे में अलग जरूर है। जो प्रॉपर्टीज इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं उन्हें हेयर कहा गया है। पर अगर ब्लैक होल की बात करें तो इनमें केवल तीन प्रॉपर्टीज ही होते हैं, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और स्पिन। इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग ब्लैक होल्स में अगर ये तीनों चीजें सेम हुई तो थियोरेटिकली वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कार्बन कॉपी कहलाएंगे। यानी कि ऐसा कोई तरीका नहीं बचता जिससे कि ऐसे केसेस में हम दो ब्लैक होल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। इसलिए कई फिजिसिस्ट हमेशा से ये कहते हैं कि ब्लैक होल्स हैव नो हेयर। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स पे। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स जिन ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर निगल लेते हैं
उनमें तारे, ग्रह, उपग्रह, डस्ट, लाइट इत्यादि सब होते हैं। अब अगर इन सब में मौजूद इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो होंगे मास, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, डेंसिटी, स्पिन, कॉम्पोजिशन, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ इत्यादि। अब अगर ब्लैक होल में मौजूद इंफॉर्मेशन की बात करें तो उनमें हमें केवल मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और स्पिन ही मिलता है। यानी कि जब ब्लैक होल उन पिंडों को अपने अंदर निगलता है तो बाकी के काफी सारे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाते हैं। और हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते रहने के कारण जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो बचे हुए ये इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यानी कि इनके खत्म होने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि उस ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ और उसने कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर निगला था। मतलब कि इनके फाइनल स्टेट को देखकर हम इनके इनिशियल स्टेट के बारे में नहीं बता सकते, जो कि लॉ ऑफ नेचर को वायलेट करता है। इसके कारण इसे हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। जब से स्टीफन हॉकिंस ने अपनी हॉकिंस रेडिएशन वाली थ्योरी इस दुनिया को दी है, तब से ही ये पैराडॉक्स फिजिसिस्ट के लिए एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। यूं तो इस पैराडॉक्स के कई सॉल्यूशन हैं जो अलग अलग फिजिसिस्ट ने दिए हैं, पर हर सॉल्यूशन के साथ कोई ना कोई बड़ी समस्या जरूर है, जिसके कारण यह पैराडॉक्स अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। अगर आप चाहें तो इन सॉल्यूशंस को भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सॉल्यूशंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि फिजिसिस्ट इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। दरअसल लॉ ऑफ नेचर को जितना हमने अभी तक समझा है उससे हमें यही पता चला है कि किसी यूनिक स्टेट के आधार पर हम उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में काफी हद तक बता सकते हैं। पर ब्लैक होल हमारे लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है, क्योंकि इसके एंड स्टेट के आधार पर हम इसके इनिशियल स्टेट के बारे में नहीं बता सकते। उसी तरह ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के केस में ना तो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है और ना ही क्वांटम थ्योरी। मतलब कि जब तक हम ब्लैक होल्स को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, हम इस ब्रह्मांड के व्यवहार को नहीं समझ सकते। और जब तक हम इस ब्रह्मांड के व्यवहार को एक्यूरेसी के साथ नहीं समझ लेते, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये ब्रह्मांड पहले कैसा था और भविष्य में इसके साथ क्या होगा। अभी तक जो भी हमने इस ब्रह्मांड के भूत और भविष्य के बारे में पढ़ा या सुना है वो मात्र थ्योरीज है। पर अगर हम ब्लैक होल्स को पूरी तरह समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सब कुछ एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ब्लैक होल्स हमें हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि जितना भी अभी तक हमने जाना है वो काफ़ी नहीं है। यानी कि काफ़ी कुछ ऐसा अभी भी बचा हुआ है जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। और जब हम उन सभी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो ये दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।